आज की रेसिपी है चटपटी सेव भाजी। एकदम सिंपल सी और आसान रेसिपी है। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। पहले हम ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करेंगे। कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, उसमें डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच साबित धनिया। धनिया को 2-3 मिनट भुनने के बाद उसमें डाल दूंगी 4 सूखी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च को टुकड़े करके डाल देते हैं और अब दोनों को 3 से 4 मिनट और भून लेंगे। और अब इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप ग्रेटेड खोबरा। खोबरे को भी 2-3 मिनट भून लेंगे। सभी भून चुके हैं, अब गैस को कर देते हैं बंद और इसको होने देंगे ठंडा। ठंडा होने के बाद डाल देते हैं मिक्सर के जार में और अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप भुने वाली मूंगफली, 15-20 लहसुन की कलियाँ और इसको बारीक पीस लेते हैं। इसको मैंने पीस लिया है। हमको इस तरह का मसाला तैयार होना है। आप इस मसाले को तैयार करके कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी में डाल सकते हो। यह 8-10 दिन तक ख़राब नहीं होता। प्यूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टमाटर को कट करके ले लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा कट कर लेंगे। थोड़ा सा बीट कट करके डालेंगे। ग्रेवी में इस तरह थोड़ा सा बीट डालने से ग्रेवी को बहुत बढ़िया नेचुरल कलर आता है। इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हरी धनिए की कौड़ी कौड़ी डंडल और सभी का पेस्ट बना लेंगे। मैंने यहाँ कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करने को रख दिया है। तेल गरम होने के बाद इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई, थोड़े से कड़ी पत्ते और 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कट करके। प्याज को भून लेंगे। अच्छे से सुनहरा होने तक प्याज को भुनना है। इसमें से 1/2 प्याज निकाल के टमाटर के साथ पीस लेंगे। भुने वाले प्याज को पीस के डालने से ग्रेवी गाढ़ी बनती है। प्याज भुन चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर प्याज की प्यूरी और टमाटर की प्यूरी को तेल छूटने तक भून लेंगे। लगातार चलाते हुए भुनना है, नहीं तो ये नीचे लग सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती होंगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने बना के रखा था वो मसाला 4 चम्मच और मसाले को भी हल्का हल्का भून लेते हैं। इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 से 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सूखे मसालों को भी 2-3 मिनट भून लेंगे। मसाले भुनने के बाद इसमें ऐड कर दूंगी 2 ग्लास गरम पानी। जब भी सब्जियों में पानी डालना हो तो गरम करके ही पानी डालना चाहिए, ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। अब इसमें ऐड करूंगी टेस्ट के हिसाब से नमक। आप देख सकते हैं बीट डालने से ग्रेवी को कितना बढ़िया नेचुरल कलर आया है। आखिरी में डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और इसको 1 उकली आने तक उकाल लेंगे। वाह, बढ़िया सी हमारी सेव भाजी की ग्रेवी तैयार है। और अब कर लेते हैं हरे धनिए से गार्निश। आप पूरी सेव ग्रेवी में एक साथ भी डाल सकते हैं या फिर आप टाइम पे सर्व करते टाइम भी सेव डाल सकते हैं। बाउल में इस तरह थोड़ी सी ग्रेवी ले लेंगे और ऊपर से सेव डाल के सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह सेव भाजी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।